प्रणाम, मैं हूँ मोनालिसा और आज मैं बनाने जा रही हूँ परवल की सब्जी और ये कटहल के बिये की सब्जी, जिसको कि हम लोग आंठी बोलते हैं, कटहल का आंठी। तो मैंने ये कटहल के बिये को काट लिया है ये बीच से और इसका छिलका ऊपर का हटा दिया है। और ये परवल, परवल को भी मैंने छील के साइड्स कट कर दिया और जो बड़े परवल थे उसको हाफ में कट कर दिया और इस तरह से चीरा लगा दिया है। ये चाहिए प्याज हमको और ये थोड़ा सा अदरक लहसुन का पेस्ट, स्वाद अनुसार नमक, ये तेल बनाने के लिए हल्दी, धनिया, लाल मिर्च और ये फ़ोरन चाहिए और जीरा मिर्च, गरम मसाला थोड़ा सा। तो चलिए शुरू करते हैं। कढ़ाई गर्म हो चुका है तो इसमें मैं कढ़ाई में परवल को फ्राई कर लूँगी और ये सब्जी बनाएंगे हम कुकर में। तेल गर्म हो चुका है तो इसमें मैं परवल डालूँगी। परवल को फ्राई कर लेंगे। ये देखिए परवल गोल्डन ब्राउन हो गया है तो मैं गैस को ऑफ करके परवल को निकाल लूँगी। कुकर गर्म हो चुका है तो मैं इसमें अब थोड़ा सा तेल रख दूँगी। ये मैं सरसों के तेल में बना रही हूँ सब्जी। तेल गर्म हो चुका है तो इसमें मैं रख दूँगी ये अदरक बे लीफ और थोड़ा सा ये मेथी दाना। थोड़ा मेथी को पकने देंगे, उसके बाद थोड़ा सा इसमें हम जीरा रखेंगे। रख दूँगी मैं थोड़ा सा जीरा, प्याज, प्याज को अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे। ये प्याज देखिए फ्राई हो चुका है तो इसमें मैं रख दूंगी ये कटहल के बीज। साथ ही में इसमें मैं रख दूंगी अदरक लहसुन का पेस्ट। और 2 से 3 मिनट में इसको फ्राई कर लूँगी। ये अदरक लहसुन का पेस्ट फ्राई हो चुका है तो अब हम इसमें सारे मसाले ऐड कर देंगे। ये रखूँगी मैं हल्दी पाउडर, ये धनिया का पाउडर 2 चम्मच और ये लाल मिर्च 1 छोटा चम्मच, जीरे का पाउडर। इसमें थोड़ा सा पानी रख के हम मसाले को अच्छे से फ्राई कर लेंगे। मसाला फ्राई हो चुका है अब इसमें हम ये परवल डाल देंगे और मैंने इसमें अभी तक नमक नहीं डाला है तो इसमें स्वाद अनुसार नमक रख देंगे। साथ में गरम मसाला, थोड़ा सा गरम मसाला और अब पानी रख के इसको मिक्स करने के बाद देखेंगे और पानी चाहिए इसमें डालेंगे। थोड़ा सा और पानी इसमें मैं डालूंगी। अब प्रेशर कुकर को मैं बंद कर दूंगी और 1 से 2 सीटी लगने दूंगी पहले। उसके बाद सीटी लगने के बाद हीट कम करके 2-4 मिनट पका के बंद कर दूंगी, गैस को ऑफ कर दूंगी। ये सीटी निकल चुका है, सब्जी तैयार है। आप इसमें ग्रेवी अपने हिसाब से कर सकते हैं, बहुत ही टेस्टी लगता है ये परवल और कटहल के बीज का सब्जी, जिसको कि हम लोग आंठी भी बोलते हैं, कटहल का आंठी। तो बहुत ही शानदार लगता है, आप लोग भी ट्राई करें। आशा है कि आप लोगों को पसंद आई होगी मेरी ये रेसिपी। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। धन्यवाद, प्रणाम।